वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जसमीत कौर जी आपकी राम किले की वार शुरू कर लो जी। रविंदर कौर जी आपकी श्लोक महला नौवां। तजिंदर कौर जी आपकी शब्द जारी कर लो जी। फिर बाकी भी स्पेस दे अभी वार रिपीट कर रहे हैं। जसमीत कौर जी राम किले की वार। रविंदर कौर जी मल्ला नवा और तजिंदर कौर जी शब्द जा रहे प्लीज कंटिन्यू करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंचन गुरुदेव बंधव सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शान सतबुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन परंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्रा गुरुदेव आजुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जपुदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा
गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेसर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली की वार राय बलवन तथा सत्य डूमे आखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाओ करता कादर करे क्यों बोल होवे जोखी वधे दे गुना सत भैन प्राप है पर रंगत दान पड़ी उदे। नानक रात चलाया सच कोट सतानी नीव दे लैने तरियों छत सिर कर सिफती अमृत पीव दे। मत गुरे आत्म देव दी खड़क जोर प्रकाए जी दे गुर चेले रह रास की नानक सलामत कीव दे। सह टिका दे तोस जीव दे लैने दी फैराइये नानका दोही खटिए जोत ऊहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिए। चुले सो छत निरंजनी मल तखत बैठा गुर हटिए करे जे गुर फरमाया सिल जोग लूनी चटिए लंगर चले गुर शब्द कर तोट ना आवी खटिए। खर्चे दित खसम दी अब कहंदी खैर दबटिए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों छटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फरमाया क्यों इंदू बोलो हटिए पुत्री कौल ना पालियो कर पीरू कन मुरटिए। दिल खोटे आखी फिरन बन पार उचायन छटिए जिन आखी सोई करे जिन कीती तिने थटिए कौन हारे किन उबटिए। जिन कीती सो मनना को साल जिवाहे साली तरम राय है देवता लै गल्ला करे दलाली। सतगुरे आखे सच्चा करे सब बात होवे दरहाली गुर अंगद दी दो ही फिरे सच करते बंद बहाली। नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस्कले होए जंगाली दर दरवेश खसम दे ना सच्चे बाणी लाली। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली लंगर दौलत वंडिये रस अमृत खीर ख्याली गुरसिखां के मुखी उजले मन मुक्तिये पराली। पे कसूल खसम नाल जा काल मरदी काली माता खीवी सौ सोए जिन गोए उठाली ओरियो गंग बहाइये। दुनियाई आके के क्यों नासनक ईसर जगन्नाथ कुछ हंदी वैन विर क्यों माँ दाना पर्वत कर नेत्र बासक शबद निरड़क्यौन चौदह रतन कालियन कर आवा गौन चिलक्यौन। कुदरत ऐ वेखा लिये जिन ऐवड़ पिंड ठिणक्यौन लैने तरियन छत्र सिर असमान की आड़ा छिक्यौन। जो समाणी जोत माए आप आपे सेती मिक्यौन सिखा पुत्रा कोक के सब उम्मत वेखो जे क्यौन। जा सुदोस दा लैना टिक्यौन फेर वसाया फेरुआन सतगुर का डूर जब तब संजम नाल तुद होर मुच गुरूर। लब बनाहे मानसा ज्यों पानी बूर वरिये दरगे गुरु की कुदरती नूर। जित सुहात न लबई तू और ठरूर नौनिद नाम निदान है तुद विच भरपूर। निंदा तेरी जो करे सो वंजे चूर नेड़े दिसे मात लो तुद सुजे दूर। फेर वसाया फेरुआन सतगुर का डूर सो टिक्का सो बहना सोई दे बाण। प्यो दादे जेविया पोता परवान जिन बासक नेत्र कत्या कर नेही तान जिन समुंद विरो लिया कर मेर मदान। चौदह रतन निकालियन की तोन चानान कोड़ा की तो सहजदा जत कियो पुलान तनख चढ़ायो सतदा जस अंधा बाण। कल विच तू अंधार सा चढ़िया रह पान सत्तो खेत जमाइए सत्तो छावान। नेत्र सोइए तेरिए क्यों मैंदा खान चारे कुंडा सूजियो मन में शब्द प्राण आवा गौण निवार्यो कर नदर निशान। और तरिया और तार लै सो पुरख सुजान चखड़ वाओ न डोले पर्वत में राण जाने बिरथा जी की जानी हो जान। क्या साला ही सच्चे पातशाह जातू सुगड़ सुजान दान जे सतगुर पावसी सो सत्ते दान नानक हंदा चतर सर उम्मत हैरान। सो टिक्का सो बैसना सोई दे बाण प्यो दादे जे विया पोतरा परवान। तन तन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया
सिखी ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਮਨ ਸਦਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਉਨ ਆਪੇ ਹੀ ਥਮ ਖਲੋਹਾ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੇ ਚੰਦੋਆ ਉਗਵਣ ਉੱਤੇ ਆਤਮਣੋ ਚੌਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਆ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁੱਖਾ ਪਿਆ ਮੋਆ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਜਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁੱਖਾ ਪਿਆ ਮੋਆ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਜਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਯੋ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਨਾ ਜਹਿ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ ਬਿਕੀਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਉ ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਯੋ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਨ ਇਨਮੈ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਹਰ ਅਨਾਜ ਕੇ ਨਾਥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ ਤਨ ਤਨ ਜੇ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਚੇ ਧਾਮ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਰਾਮ ਸਭ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਨ ਕੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਭਜਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਖਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਉ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਕਟ 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 ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜ ਮਨਾ ਪਉ ਨਿਧ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹੇ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਕਾਨ ਜਿਹ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਪਇਓ ਉਦਾਸ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ
जह प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान तो नानक वो मुकत नर एमन साची मान पहना सन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम इस दिन जो नानक पजै सफल होए ते काम जह बागुन गोबिंद पजो करन सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना पर न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरै और न लेत उदार जो सुपना अरपेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कार ने प्राणी दौलत नीत कोटन में नानक को नारायण जय जीत जैसे जलते बुध बुदा उपजे बिन सैनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु नचेतई मद माया के अंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताए जम पंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक देह माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तेह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया में पद रहयो बिसरे गो बिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताए जम पंद सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए कहो नानक हर पज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म परमत फिरियो मिटो न जम को त्रास कहो नानक हर पज मना निर्भय पावे बास जतन बहुत मैं कर रहियो मिटो न मन को मान दुर्मत सियो नानक पदियो राख ले हो भगवान बाल जुआनी अर बिरध पुन तीन अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान करणो हुतो सुना कियो परियो लोभ कै पंत नानक समयो रम गयो अब कियो रोवत अंत मन माया मैं रम रहयो निकसतो नाहिन मीत नानक मूरत चित्र जियो छाड़त नाहिन पीत नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहयो ठगौर नानक पासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम कहो नानक मन सिमर तिह पूरन होवे काम झूठे मान कहा करे जग सुपने जो जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहियो बखान गर्भ करत है देह को बिन से छिन मैं मीत जेह प्राणी हर जस कहियो नानक तेह जग जीत जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जह प्राणी के ना है मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन
स्वामी को गृह जियो सदा स्वानत जत नहीं नित नानक ए बिदहर पजो इक मन होए इक चित तीरथ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान नानक नेह फल जात तेह जो कुंचर उसनान नानक नेह फल जात तेह जो कुंचर इसनान सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक ए बिद पई तौ न हर रसलीन निज कर देखियो जगत में को काहु को ना है नानक थिर हर भगत है तेहरा को मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रहे जो बालू की पीत राम गयो रावण गयो जाको बह परवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपन जो संसार चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए यो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय बल होवा बंधन छुटे सब किच होत उपाय नानक सब किच तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ तो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ नाम गयो सा नाम रहयो साधु रहयो रहयो गुरु गोविंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरु मंत राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहेगुरु 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 सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी शब्द हजारी माज महला पंजवा चौपदे कर पहला मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करे चाति की नियाई त्रिखाना उतरे साथ नावे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हाँ कोली जो कोल कुमाई गुरदर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सजन मीत मुरारे जियो हाँ कोली हाँ कोल कुमाई गुर सजन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता हुन कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता मोहे रह ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुरदरबारे जियो हाओ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुरदरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया
प्रभ अविनाशी कर मैं पाया, सेव करी पल चसा ना बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो हाओ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ तनासरी, महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरपाऊ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सर्पं, गुरु प्रसाद जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेव्या सदा सदा दातार, साही मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, रहाओ अंदिन साहिब सेविए अंत छड़ाए सोए, सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होए, दयाल तेरे नाम तरा सद गुरबानी जाओ, रहाओ सर्वंग साचा एक है दूजा नाही कोए, ताकी सेवा सो करे जाको नदर करे, तुद बाज प्यारे के रहा सा वड़े आई देह, जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए, जिस आगे प्यारे जाए कहा, रहाओ सेवी साहेब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे नाम बिट्टो बिंद बिंद चुख चुख होए, रहाओ तिलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद एहो तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत ना पावे, चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए, हों कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हों कुर्बाने जाओ हों कुर्बाने जाओ, तिना कै लैन जो तेरा नाओ, लैन जो तेरा नाओ तिना कै हों सद कुर्बाने जाओ, रहाओ कायांगन जे थिए प्यारे पाये नाओ मजीठ, अंगन वाला जे अंगे साहिब ऐसा रंग नडीठ, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, तूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास, आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे, तिलंग महला पहला या नड़िए मनड़ा काए करे, आप नड़े कर हर रंगो की ना माने, सौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या टूटे, पैकिया देश लाइया नैनी पाव का कसी गारो, ता सुहागण जानिए लागी जा सहो तरे प्यारो, यानी बाली क्या करे यानी बाली क्या करे, जा तन कंत न पावे कर्ण पलाह करे, बह तेरे साधन महल ना पावे,
विन कर्मा कुछ पाये नाही, जे बह तेरा तावै लब लोभ अहंकार की माती, माया माहे समानी इनी बाती सह पाये नाही पई कामनियाणी। जाए पुछो सुहागनी वाहे किन्नी बाती सह पाये, जो किछ करे सो पला कर मानिए, हिकमत हुकम चुकाये जाके प्रेम पदार्थ पाये, तो चरनी चित लाये सह कहे सो कीजे, तन मनो दीजे ऐसा पर मल्लाये, ए कहे सोहागनी पैने इन्नी बाती सह पाये, आप गवाइये ता सह पाये, और कैसी चतुराई सहो नदर कर देखे, नदर कर देखे सो दिन लिखे, कामण नाओ निद पाई आपने कंत प्यारी, सा सुहागण नानक सा सबराई, ऐसे रंग राती सहज की माती, एह निस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण, कहिए सा सियाणी। सुई महला पहला कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सरा बुलावा, कौन गुरु कै पै दीख्या लेवा, कै पै मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल महियल परपुर लीना, तू आपे सर्व समाना रहो, मन तारा जी चित तुला, तेरी से सरा कमावा, कट ही पीतर सो सहो तोली इन बिद चित रहावा, आपे कंडा तोल तरा जी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे आपे है वणजारा, अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद, राग विलावल महला पहला चौपदे कर पहला, तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमन वडाई, जो तू देहे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन न जाई, तेरे गुण गावा देह बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किच होआ सब किच तुझते, तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना, मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतराई, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वडे आई, एते कूकर हो बेगाना पौ का इस तन ताई, भगत हीन नानक जे होएगा ता खस में नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर, कट ही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहुड़ जन्म न आवा,
मन बेदिया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई। रहाओ अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता कर हो हमारी। जल थल महियल पर पुलिना, कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, जिये जंत सब सरन तुम्हारी, सर्व चिन तुद पास है, जो तुद पावे सोई चंगा, इक नानक की अरदास है, जिय जंत सब सरन तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासै, जो तुद पावै सोई चंगा, इक नानक की अरदासै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। शस्त्र नाम माला एक ओंकार, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अत श्री शस्त्र नाम माला प्राण लिखे ते श्री भगवती जी सहाय पातशाही। दसवीं दोहरा सांग सरोही सैफ अस, तीर तुपक तलवार, संतरांत कवचांत कर करिए रच हमार। अस किरपान तारा तरी सैल सूफ जमदाड, कवचांतक संतरांत कर तेग तीर तर बाड। अस किरपान खड़ो खड़क तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर। तीर तुही सहती तुही तुही तबर तलवार, नाम तिहारो जो जपे पये सिंध पव पार। काल तुही काली तुही तू ही तेगर तीर, तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर। तू ही सूल सहती तबर तू निखंगर बान, तू ही कटारी सैल सब तुम ही करद किरपान। शस्त्र अस तुम ही सिपर तुम ही कवच निखंग, कवचांतक तुम ही बने तुम व्यापक सरबंग। श्री तू सब कारण तू ही तू विद्या को सार, तुम सब को उपराज ही तुम ही ले ओ वार। तुम ही दिन रजनी तू ही तुम ही जियन पाए, कौतक एरन के निमित तिन मोबाद बढ़ाए। अस किरपान खड़ो खड़क सैफ तेग तरवार, रच करो हमरी सदा कवचांत करतार। तू ही कटारी दाड़ जम तू बिच्योर बान, तो पत पत जै लीजिए रच दास मोह जान। बांक बजर बिच्यो तू ही तबर तरवार, तू ही कटारी सहती करिए रच हमार। तुम ही गुरज तुम ही गदा, तुम ही तीर तुफंग, दास जान मोरी सदा रक्षा करो सरबंग। छुरी कलम रिप करद बन खंजर बुगदा नाए, अरद रिजक सब जगत को मुहे तुम ले ओ बचाए। प्रथम उपाओ जगत तुम ही पंथ बनाए, आप तू ही चगरा करो तुम ही करो सहाय। मच कच बारा तुम बावने अवतार, नारसिंह बहुदा तुही जगत को सार। तुही राम श्री कृष्ण तुही विष्णु को रूप, तुही प्रजा सब जगत की तुही आप ही पूप। तुही विपर छतरी तुही रंग कर राओ, श्याम दाम हर दंड तुही बेद उपाओ। शीस तुही काया तुही शीस तुही काया तुही, तै प्राणी के प्राण, तै विद्या जग बक्त हुए करे बेद बखियान।
विसिक बान तनुखा ग्रिपन सर कैबर जय नाम तीर्थ तंग ततार चे सदा करो मम काम तैनी राले शस्त्र अर मिरग अंतक सस भान तुम बैरन प्रथमे हनो बहरो बजे किरपान तुम पाटस पासी परस परम सिंध की खान तै जग के राजा पे दी तव जय बरदान शीश शस्त्र अरे आर्यस खड़ो खड़ग किरपान शक्सुरेसर तुम कियो भगते अपनो जान जमदर जमदाड़ा जबर जो जान जो तांतक जहर नाए लूट कूट ली जत तिने जय बिन बादे जाए बांक बजर बिछियो बिसिक मेहरबान सब रूप जिनको तुम कृपा करी पे जगत के पूप शस्त्र शेर सम्रांत कर सिपरार शमशेर मुकत जाल जम के पे जिमे कहियो एक बेर सैफ सरोही शस्त्र अर सारंगार जय नाम सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम सैफ सरोही शस्त्र अर सारंगार जय नाम सदा हमारे चित बसो सदा करो मम काम इति श्री नाम माला पुराने श्री भगवती उस्तत प्रथम ध्याय समाप्तम सत शुभम सत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई बहुर असुर का काटस माथा श्री इसके जगत के नाथा द्वितीय वांछ तो अर्कर काट दियो अस्तु नाहर पुनरा छस्ता काटा सीसा श्री इसके जगत के ईसा पोपन रेस गगनते पई सभ्य नान बधाई दई तान्य तान्य लोगन के राजा दुष्टन दा गरीब निवाजा अकल भवन के सृजन हारे दास जान महल हो भारे कभी बाज बेनती चौपाई पास शाही दसवीं अमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा हमरे दोस्त वे तुम काबो आप हाथे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सवे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रन को आस करिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाट कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिखे हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथे मुझे उभरिये मन काल का त्रास निवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री सुजो परियो रच्छा राख ले हो मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दस्तंता काल पाए ब्रह्मा भवतारा काल पाए शिव जी अवतारा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताई हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैज चन बजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रशासन आप सवारी शिवपन को शिव गुण सुख दियो सतरण को मत कियो कट कट के अंतर की जानत पले पुरे की पीर बचानत पीटी ते गुण चरे स्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन पाए ते दुखी सुख पाए साधन दुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब कर करा कर तारा प्रजा तरप तब देह अपारा जपा कर कर थो प्रभु तुम्हें मिला देह तर सबू जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब इते रहत निरालम जानत भेद भेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील अनाथ असंभ ताका मूल उचारत पेदा जाको बेम न पावत पेदा
ताको कृपा हनन मानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा सेव निरंकार का चिन्हत न भव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राग पई भूपा अंडर जेर से तस्कीनी उद्भुज खान बहु रचदीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पियो संग करी गैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंबो आज उगास रूप से अंबो अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्टते उठवत उत्पाता सगल मलेच करो रण गाता जय स्तुतव सर नी परे तिनके दुष्ट दुख तो हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट करे इस तरह तत् काला कृपा दृष्टन जाए न हरियो ताके ताप तनक हरियो रित सिद्ध कर्मो सब हुई दोष छाछ फे सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता केलविक सगल देख को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री स्तुजा पहे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बाछत फल पावे सोई तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गूंग जो याहे सुरस ना पावई चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द को निकट न दिन नर के रहे हूँ जो या की एक बार चौपई को कहे चौपई संवत सत्रे सहज पणि जय अर्थ सहज फम तीन कही जय पाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाहे गए जब ते तुमरे तब ते को वाक तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमर शास्त्र भेद सवे वो भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री अस्पान कृपा तुम ही कर मैं ना के हो सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहें की लाज अस गोविंद दास तुहार सगले द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहें की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी मंजू जी आप जी की सेवा है रास साहब दिल कर दो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह हरा रास साहेब हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद त्राया अहंकारिया निंद का पिठ दे नाम दियो मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंतले छड़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताम न होई
तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता कल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहब सिफत सवाल्यो जिन की तीसो पार पिया, कहो नान करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहा, सो दरा गासा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो दर तेरा केहा सो कर केहा, जितवे सर्व समाले बाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग परिसो कहिए, केते तेरे गावन हारे, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावन तुदनो चेत गुप्त लिख जानन, लिख लिख तरम बिचारे, गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे, गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे, देवत्या दर नाले, गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखे, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर, जुग जुग बेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, स्वर्ग माछ प्याले, गावन तुदनो रतन उपाय तेरे, 68 तीरथ नाले, गावन तुदनो जोध महावल सूरा, गावन तुदनो खानी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, सही तुदनो गावन जो तुद पावन, रथे तेरे भगत रसाले, और केते तुदनो गावन से मैं चेतनाव, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, ऐपी होसी जाय न जैसी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया, जिन उपाई कर कर देखे किता अपना, जो तिस्ती बड़ियाई, जो तिस पावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पासा सहा पसाहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला पहला, सुन बड़ा आखे सब कोय, के बड़ बड़ा डीठा होए, कीमत पाए न कहे आ जाए, कहने बाले तेरे रहे समाए, बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा, केता केवड़ चीरा रहाओ, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगे आईया, सीधा पुरखा किया वड्याईया, तुद विण सिधी किने ना पाईया, करम मिले ना ठाक रहाईया, आखन वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा, आसा महला पहला, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखन औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, ओत भूख खाए चलिए दुख, सो क्यों बिसरे मेरी माए, साचा साहेब साचे नाए रहाओ, साचे नाम की चल बढ़ियाई, आख के कीमत नहीं पाई, जैसा मिलके आखन पाहे, बड़ा न हो वह घाट न जाए, ना मरे न हो वह सोग, देदा रहे न चुके भोग, गोने हो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जिन दिन कर कह कीती रात, कसम बिसारे ते कम जात, नानक नावे वासनात, रा गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो कुर गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरणाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत कर देव मोको, राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहो, हर जन के बड़ पाग बडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण परगास, जिन हर 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 रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सत गुर शरण संगत नहीं आए, त्रेक जीवे त्रेक जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, रा गुजरी महला पंजमा, काहे रे मनचित वे उदम, जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मैं जंतु पाए, ता कर कागे कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया,
गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया सर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़ा वैसे कोसा तिस पाशे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दास अष्ट सिदान ठाकर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया रागा सा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख बिसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बे न्यावर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवे तुद जी जन नानक तिन कुरवाना हर त्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पो सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जैसी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े वो सिमर शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे वड़े अवर न कोई तू जुग जुगे को सदा सदा तू एक को जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सिर सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन गुआया तुदा बिछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तिसर वरड़े पहिले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबियले मन एक न चेत समूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नी पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया पणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजमा पई प्रापत मानुख देवरिया गोविंद मिलन किए तेरी वरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कौ नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कौ नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह
पातशाही दसवीं चौपाई पुनरह सिखा काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा ओपन भ्रष्ट गगन ते पई सब है न्यान बधाई दई तन्य तन्य लोगन के राजा दुष्टंदा गरीब निवाजा फल पवन के सृजन हारे दास जान मूल्य हो वारे कब्यो बाच बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सवे तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सवे करतारा मोर अच्छा निज कर देख रही है सब बैरन को आय संगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ जो वर चहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे वरिय मरण काल का त्रास न वरिय पूजो सदा हमारे पच्छा सिरियस तो जु करियो रच्छा राख लियो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन पजायो आद्यंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जावत कर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे पारा जाब्या कर करत हो कब हूँ तुम मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रिस सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद हरालम निरंकार निरुकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ चारत पेदा जाको पेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड़ कश पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप आपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तो हे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कैवे सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राब कही पूपा अंड जेर से तजकीनी उत्पज खान बहो रच दीनी कहूँ फूल राजा है वह बैठा कहूँ सिमट प्यो शंकर थैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंब आद जुगाद स्वरूप स्वंब अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तो तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा देश तन जाए निहर हो ताके ताप तनिक मोहर हो रेद सेद कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उवारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तो मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो वारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूरन शुभ राता केलवेक सकल दे को हरता दुष्ट दुखन को छय करता श्रीअस्तो जब पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुने गोंग जो जाहे सुरस न पावे सुने मूढ़ चितलाय चतुरता आवे दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे हो जो जाकी एक वा चौपाई को कहे चौपाई संभ सतरा सह सुपणिज अर्ध सह सुपन तीन कहिज
पादरव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतर दरव ग्रंथ सदारा इत श्री चरित्र उपख्याने त्रिया चरित्र मंत्री पूर्व संबंध 405 चरित्र समाप्त मस सब मस्त अपजू दोहरा दास जान कर दास पर कीजे कृपा पार आप हादे राख मोए मन करम बचन विचार चौपई मैं नगन से प्रथम नाऊ किसन बिसन कब हूं त्याऊ कान सुने पहचान 300 लिब लागी मोरी पगिनसो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहे की लाज विचार अपना जान मुझे व्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देव तेग जग में दो चले राख आप मोहे और न दले तुम हम करो सदा प्रत पारा तुम साहे में दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास दान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहे मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन सिंगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जथा मा चरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो कवियो बाच दोहरा जो ने प्रम सो कहा सो कहियो जग माहे ज्योति प्रभ को त्याए हैं अंत सुरुख को जाए दोहरा हर हर जन दोई एक है भी विचार कछ नाही जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभ को प्यो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कह सुनाए कभी बाच दोहरा ठाड प्यो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को निथुटते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की दे मो कोट के बिस्न महेश कोट इंदर बर्मा किते रव सास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग टल सब कोई पाखत नेत स्वर्गवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ये कथा सुने और गावे दुख पाप ते निकट न आवे बिसन भगत की ए फल होई आद व्याद शव सके न कोई सम सतरा सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तपरसाद कर ग्रंथ सुधारा कूल परी लो लेहो सुधारा दोहरा नित तुम के चरण तर सत्र तीर तरंग श्री भगवत पूरण कियो रघुवर कथा पर सांग दोहरा साध सा जानो नहीं बाद स्वाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भागवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कुआ तरे नी आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक तहे मत एक न मान्यो सिमर शास्त्र वेद सब भेद गए हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज यस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वसिया बधाइया राग रतन परवार भरिया शब्द गावण आईया शब्दो तगावो हरी केरा मांजनी बसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सब ना गला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देसो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तीर साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आय बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटो जिस दिया ये बड़े आईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच सब तित घर सपागे कर सपागे सबद बाजे कला जित कर धारिया पंच दूतो दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पर सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर पर पूरे मिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे मधावनी महला पंजमा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो ए वस्त तजी न जाए नित नित राखो रुतारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजमा तेरा कीता जा तो नाई मैनु जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाई आपे तरस प्योई तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीमा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पौजल भी खमस गाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल समाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवे तू दियाहे श्लोक महला पंजमा अंतर गुर आराधना जेहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगे पाइये ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनो ये बत दे जग में उत्तम काढ़िए बिरले के महला पंजमा रखे रखन हार आप वारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हो आप दयाल मनो न विसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन इस साहेब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए इस साहेब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह श्लोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंध पसोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत्र निरोधरा गुरदेव सांसत बुद्ध मूरत गुरदेव पारस परस परा गुरदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजन परंपरा गुरदेव करता सा पाप हरता गुरदेव पतेत पवित करा गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जा पुदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा मूर पापी जित लाग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा मूर पापी जित लाग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकर तुम पैर दास जियो पिंड सब तेरी रास
तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत पूछे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तो दया गेरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कौ नानक साहब तेरी वड्याई कोई नौ न जाने मेरा वाहिगुरु जी तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको बिघन को लागे जाके प्रभा गे अरदास वाहिगुरु जी अरदास क्योंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय हर जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये कर नौन दया वे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी दार दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु सतगुरां दे पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े ता नारियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसां स्वासां नाल निवाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेत्यावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखा दा मन नीमा मत उची मत पत दे रखिया वाहिगुरु हे काल पुरख वाहिगुरु जी अपने पंथ दे सदा सहायत तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो ए निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तुहानू हाजर नाजर जांदे तुहाडे चरण अरदास बेनती जोड़ी है सच्चे पातशाह जी तुहाडा बेअंत बेअंत शुकराना वाहिगुरु जी तुसी संध्या वेले अपने बच्चों के सिर ते मेहर पर हाथ रख के वाहिगुरु जी राम कली दी वार सच्चे पातशाह जी श्लोक महला नौवां शब्द हजारे सच्चे पातशाह जी शस्त्र नाम वाला श्लोक महला नौवां सोदरा राज साहब जी के पाठां की सेवा आप लई सच्चे पातशाह जी सच्चे पातशाह जी तुहाडे बच्चों कोलों पाठ सुनदियां कोलों पाठ करदियां कोलों अनेकां तरह दियां गलतियां भुलां चुकां हो गईयां होणगियां मेरे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह जी अपने अणजाण जे बच्चे समझ के माफ करदा सच्चे पातशाह अगों तो समर्थ बख्शनी वाहिगुरु जी शुद्ध ते स्पष्ट वाहिगुरु जी मन चित लगा के बाणी पढ़े ने सुनण दा बल ते उदों बख्शना मेरे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह जी पढ़ी सुनी बाणी दरगाह विच प्रवान करनी सच्चे पातशाह जी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव अपने बच्चियां दे हिरदियां विच वसाउणा मेरे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह जी
सारी संगत अड्डे चरण दास बेनती जोधड़ी कर रही सचे पातशाह सारी संगत की झोली बिच अमृत वेला अमृत दी दास सचे पातशाह जो संगत दी चरण तूल आप जी दे दर्शन दीदारे ते सेवा संभाल दा दान जरूर बख्श देना मेरे वाहिगुरु जी सचे पातशाह जो सब दी सिखी केसा स्वासा नाल ने वजाए मेरे वाहिगुरु जी सचे पातशाह जो तुहाडे चरणां दा अरदास बेनती जोधरी सचे पातशाह जी भैन जी किन खरवंदा वालों बेनती है वाहिगुरु जी उन्हां दे दोतरे सुखरीत सिंह नूं शरीरक रोगता चढ़दियां कला बख्शो मेरे वाहिगुरु जी बच्चे नूं लंबी उम्र बख्शो गुरसिखी जीवन बख्शो वाहिगुरु जी सचे पातशाह जी तुहाडियां बच्चियां भैन जी जसमीत कौर भैन जी हरलीन कौर ते भैन जी प्रीति कौर जी नूं तंदुरुस्ती शरीरक रोगता चढ़दियां कला बख्शो सचे पातशाह जी बच्चियां दी गृहस्थी जीवन बिच खुशियां लियाओ मेरे वाहिगुरु जी बच्चियां घर आप बसाओ सचे पातशाह वाहिगुरु जी सचे पातशाह जी तुहाडी छोटी बच्ची मनरीत कौर जड़ी बोल नहीं सकती वाहिगुरु जी बच्ची नूं सोहणे बोल बख्शो ताकि बच्ची भी हर जस गा सके सचे पातशाह जी बच्ची नूं तंदुरुस्ती शरीरक रोगता चढ़दियां कला बख्शो मेरे वाहिगुरु जी तुहाडे बच्चे वाहिगुरु जी मनप्रीत सिंह जी जसप्रीत सिंह जी शप्रीत सिंह जी सचे पातशाह जी प्रियंका कौर नूं देह रोगता चढ़दियां कला बख्शो वाहिगुरु जी बच्चियां दे जो भी शरीरक कष्ट है वाहिगुरु जी तुसीं आप ही उन्हों दूर करो मेरे वाहिगुरु जी बच्चियां दे अंग संग सहाईओ बच्चियां नूं गुरसिखी जीवन जरूर बख्श दो मेरे वाहिगुरु सचे पातशाह जी बाकी भी संगत दे जिहड़े बच्चे देश विदेश किते भी रहिंदे ने वाहिगुरु जी सारे बच्चों के सिर ते मेहर प्रयात रखो बच्चों चढ़दियां कलां तंदुरुस्ती गुरसिखी जीवन विद्या का दान बख्शना वाहिगुरु जी बच्चों के अंग संग सहाई होना बच्चों सच्चिया सुचिया किरत कमाइया कर बल ते उदम बख्शना मेरे वाहिगुरु जी बच्चों अपने चरणों की प्रीति जरूर बख्श देनी वाहिगुरु जी सचे पातशाह जी ना भुलो ना भुलाओ ना बिसरो ना विसारो वाहिगुरु जी स्वास स्वास अपना नाम जपाओ मेरे वाहिगुरु जी सचे पातशाह अपना इलाही हुक्मनामा बख्शो इलाही हुक्मनामे अनुसार चलन दा बल ते उदम बख्शो मेरे वाहिगुरु जी सचे पातशाह जी अखर लाग तुक बाधा घाटा भुल चुक माफ करने सरबत दे कारज रास करने से ही प्यारे मेल जिन्हें मिलिया तेरा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਵੀਰ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਮੰਦਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਲੀ ਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ ਸੁਖ ਡਲੇ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ अहनिस सहज सबाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो सुही महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई
मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुज्ञान मजन आप छल्यो क्यों छले पर पंच मोहो बिकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन रहता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो साला ही है जिन कारण किया मैं लागी मन मेल मैले किने अमृत पिया मत अमृत पिया एह मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहेब सो साला ही है जिन जगत उपाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यो मन मानिया हर से तीराता साहेब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच पू नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगणियारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवण जाना ना थी है साची मत होई अंजन तैसा अंजिए जैसा पिर पावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जनावे मार्ग पावे आपे मनुआ ले वे कर्म सुकर्म कराए आपे कीमत कौन अपे वे तंत मंत पाखंड न जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम दिसे ते सूजे गुर शब्दी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करे रलिया करम धर्म सबाया अड़सठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थिए क्यों पादर जाने आप मुसे मत होचिए क्यों राह पछाणे क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कछ न सूजे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पह कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन पर देसी जेती है सब देश पर आया किस पह खोलो गंठड़ी दुखी पर आया जगत सबाया कौन जाने बिद मेरिया आवने जावने खरे डरावने तोट ना वे फेरिया नाम विहुणे उणे चूणे ना गुर शब्द सुनाया मन पर देसी जे थी है सब देश पर आया गुर महली कर अपने सो पर पुर लीना सेवक सेवा ता करे सच शब्द पतीना शब्दे पति जय अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला
बाजंत अनहद बीणा गुरमहली कर अपने सो भरपुर लीना किता क्या साला ही है कर वेख सोई ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप भुल न भुले जय जय कार करें तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साच न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई हीनो नीच करो बेनंती साच न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी हुक्मनामा साहब लेंदिया होइया भुला चुका नू संगत बख्शन हार जी बख्श लेना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत अमनदीप कौर जी आप भी सेवा करोगे आज? हां जी वीर जी। संगत जी अमनदीप कौर जी जगदीश साहब जी लड़ीवार उस तो बाद जिस तरह भी संगत का हुक्म आएगा हम सुना देते हैं। इस जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी जगजी साहब की लड़ीवार कथा कर दें। असी पिछली बारी 34वीं पौड़ी की व्याख्या की सी जी उसकी विचार की सी। अज असी 35वीं पौड़ी की विचार करनी है जी। 35वीं पौड़ी साढ़े को है गुरु साहब ने बख्शिश की जी। धर्म खंड का एको धर्म ज्ञान खंड का आखो करम। धर्म खंड विच धर्म की गल कर रहे हैं ते ज्ञान खंड की गल करेंगे। आप पौड़ी सरवण कर लिए एक बारी बहुत आसान है बड़े आराम नाल समझ आने वाली है। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काड़त कड़िये रूप रंग के वेस केतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खानी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। पिछला जो असी पौड़ी दी विचार कीती सी ओदे विच गुरु साहब ने सानू धर्म खंड दे बारे विच दस्या सी। धर्म खंड की है कि धर्म जेड़ा है शब्द अगर देखिए तां शाब्दिक रूप विच इह त्रि धातु तो निकलिया है ते धर्म दा अर्थ है धारण करना। खंड आ गया भाग या हिस्सा। धर्म दा उह भाग या उह हिस्सा जिसनू असीं धारण करना है साडे जीवन विच उह हिस्सा जिसनू असीं धारण करना है जिसनू मर्यादा विच लै के आना है। सीधी सीधी गल गुरु साहब ने कीती के सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म सब तो उत्तम धर्म की है जी हर को नाम जप निर्मल करम। सिंपल जी गल के हरि दा नाम जपना है ते निर्मल काम करने हैं बस सच्ची सुची किरत करो परमात्मा दा नाम लो परमात्मा हाजर नाजर है। सब तो आसान गल सी धर्म खंड विच समझण वाली के धरती विच या धरती तो बाहर जिन्नियां भी असी दृष्टमान चीजां देख रहे हैं संसार दियां जगत दियां ये सारियां ही परमात्मा दे एक हुक्म विच चल रही हैं एक मर्यादा विच चल रही हैं। उस मर्यादा नू नाम धर्म दा दे दिता उस तो असी ये सिख्या लेनी है कि साडा भी जीवन जो है एक मर्यादित जीवन है जो परमात्मा ने सानू बख्शिया है ते उस मर्यादा नू असी धारण करके चलना है उसनू अपने अंदर वसाना है। बहुत आसान जी गल सी जिहड़ी के बहुत ही डूंगे विचारां नाल गुरु साहब ने कीती
एक गल का ध्यान रखना है कि हर खंड की गल करते हुए गुरु साहब कह रहे हैं कि यह बेअंत है। धर्म की गल करद भी कह दिता कि यह बेअंत है। हुण ज्ञान की गल करद भी असं देखा कि उस विच भी कहणगे कि यह भी बेअंत है, यदा भी अंत नहीं पाया जा सकता। तो जिस गुरु साहब ने जिन्होंने इसनों अनुभव किया जोड़ा उन्होंने अपना अनुभव से वह अगर ये कह रहे हैं कि यह बेअंत हैं जो खंड है परमात्मा का ज्ञान है ये बेअंत है तो जो बंदा लिख रहा है जो गुरु साहब सानू लिख के दे रहे हैं लिखती रूप में दे रहे हैं वह ये कह रहे हैं बेअंत है तो असं उसके उत्ते जिनी मर्जी विचार कर लिए सारी दुनिया मिलकर विचार कर ले जिन्ना भी विचार कर लेंगे असं उसका अंत नहीं पा सकते। इसलिए परमात्मा बेअंत परमात्मा दीयां विचारां भी बेअंत हैं। हुण इह धर्म खंड तो बाद असं ज्ञान खंड की गल कर रहे हैं कि जो मनुख अपने जीवन नूं मर्यादा दिंदा है विधि विधान दिंदा है अते विधि पूर्वक जिंदिया होया जप करता है सिमरन करता है तो उसकी सुरत जो है अगले मंडल विच चली जाती है। उसनों अगले मंडल नूं गुरु साहब ने ज्ञान खंड आख्या है। देखो जिस तरह असीं मकान की छत ते चढ़ना होवे पौड़ी का आसरा लईदा है एक एक डंडा करके चढ़ीदा है ते हर एक डंडा अगला डंडा चढ़न लई एक पड़ा बन जाता है एक सहारा बन जाता है साढ़े लिए। इसे तरह ही जिस तरह असी शुरू तो ही देखिया कि गुरु साहब पहली पौड़ी विच कह रहे हैं कि सच्यारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल कि परमात्मा के हुक्म विच चलना है। तो फिर अगली पौड़ी विच उस हुक्म की व्याख्या कर रहे हैं कि पहली पौड़ी तो उन्होंने ज्ञान दिता हुक्म का तो उस हुक्म विच फिर एंटर करन तो बाद असी सेकंड पौड़ी विच आ गए। इसे तरह यह पौड़ियां चढ़ते 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 असी जो 35वीं पौड़ी ते पहुंचते हाँ तो इस दे विच गुरु साहब ज्ञान की गल कर रहे हैं। गुरु साहब कह रहे हैं धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड की व्याख्या ही है कि उस बंदे का उठना बैठना सोना जागना हसना रोना खाना पीना भाव जीवन का हर कर्म विधि पूर्वक होगा। उसकी जिंदगी विच कोई भी कर्म गैर विधानक नहीं होएगा। धर्म खंडी मनुख की यही पहचान है अते जगत विच धर्म खंडी लभना बहुत औखी गल है। सिर्फ सिर्फ धर्म खंडी बनना ही बहुत औखा है। जो धर्म खंडी बनेगा ज्ञान खंड विच भी फिर अगों ही जा सकेगा। ज्ञान खंड का आखो कर्म। महाराज कहते हैं कि हुण मैं ज्ञान खंड की गल करन लगा हाँ। धर्म की पालना करन वाले मनुख की सुरत अगले मंडल अगले खंड विच चली जाती है जिसका नाम है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड तो मुराद ये नहीं कि उसने पढ़ लिख के विद्या हासिल कर ली है ज्ञान हासिल कर लिया है। नहीं, विधि पूर्वक जिउंदिया उसके अंदरों जो अनुभव पैदा होया गुरु महाराज ने इस पौड़ी विच उस सार का वर्णन किया है। उस मनुख ने इस गल का बोध हुंदा है कि केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। पाव पवन भी कई तरह की है एक तरह की नहीं। साडे शरीर विच जिहड़ी पवन है इसनू प्राण वायु कहिंदे हन एक नू अपाण वायु कहिंदे हन। दरअसल जिहड़ी पवन साडे आले दुआले है इसदे भी वख वख रूप हन वख वख तासीर है इन्हां दा असर भी वख वख है अते ज्ञान खंडी नू इह बोध अपने आप हो जांदा है। देखो जिवें आपां दस्या सी कि गुरबाणी जिहड़ी अपनी व्याख्या आप करदी है। जपजी साहब की जदों असी विचार कर रहे सी तां असी देखिया कि शुरू दीयां जिहड़ियां पौड़ियां सी उन्हां दी विचार करन लई उन्हां नूं समझण लई असी सहारा लिया जपजी साहब की अंतलियां पौड़ियां विचों। ते हुण जदों असी अंत ते पहुंचण वाले होए हाँ तां सानूं इह पता चल गया कि इन्हां दी विचार असी पिछे कीती है तां इह जो व्याख्या है बाणी अपने आप अपनी व्याख्या कर रही है। इह गुरु नानक साहब जी ने उच्चारण कीती सी ते जदों असी रब्बी जोत की गल कर रहे हां जिहड़ी कि गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु जोत है तो गुरु जोत भी इको किवें है जी। गुरु अर्जन देव जी जदों सुखमनी साहब की रचना कर रहे हैं तो भी सानू यही ज्ञान दे रहे हैं कई कोट पावन पाणी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल वह भी कई कोट की गल कर रहे हैं करोड़ा हैं चीजा। इसे तरह भगत कबीर जी भी इस गल का करते हैं जिक्र वह असं अगे करांगे। प्राचीन काल भी जेडे मनुख जप तप करके ज्ञान ज्ञान खंड तक पहुंचते सन उन्होंने ऐसिया अदुत्ती गल्लां अपने धर्म ग्रंथा विच लिखिया हैं जिन्हां नूं विज्ञान अज भी गलत साबित नहीं कर सकिया। साहिब दसदे हन उस ज्ञान खंडी नूं इस गल दा बोध हुंदा है कि कई तरह की पवन है ते अग्नि भी कई तरह की है जिवें जठार अग्नि है जो साडे शरीर विच है
बड़वा अग्नि है जो सागर विच है, तृष्णा अग्न है जो मन विच है। सो अनेकां किस्म दियां अग्नियां हन जिसका उसनों बोध हुंदा है, उसनों उस थां दा भी ज्ञान हुंदा है कि अग्नि दा वासा केड़ी केड़ी थां ते है। साहिब कहंदे हन केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। कृष्ण चाहे अवतारी पुरश भी कई हो गुजरे हन अते जगत विच अनेकां वारी आए हन। हर युग दा कोई ना कोई अवतारी पुरश हुंदा है। भगत कबीर जी महाराज दी सुरत जद ज्ञान खंड विच पहुंची तो उन्होंने बड़ा सुंदर खुलासा किया हूबहू इसे तरह का जो इस पौड़ी विच गुरु नानक साहब जी फुरमान कर रहे हैं कि कितने ही कृष्ण हैं, अनंत ही महेश हैं, अनेक तरह की अग है, कई तरह का पानी है, अनेक तरह की पवन है, हर सागर का पानी वख है। उसका सुभा उसकी तासीर वख है। सुभा ते तासीर दी गल तां इक पासे रही, हर सागर दे पानी दा रंग भी वख है, हर नदी दा पानी वख वख है। प्रयागराग विच जो गंगा ते यमुना दा संगम है साफ दिखाई दिंदा है। गंगा दा जल चिट्टा है ते यमुना दा जल काला है। पीण विच भी दोहां दी तासीर अते सुभा विच बड़ा भारी अंतर है। साहिब फुरमांदे हन कि परिपूर्ण परमात्मा ने पानी पवन ते अग्नि नूं अनेकां रूपां विच पैदा कीता है। उसने अनेकां ही कृष्ण वर्गे महाबली ते राजयोगी, अनेकां महेश वर्गे जोगी पैदा किते हन जो ज्ञान खंड विच पहुंच के आप मुहारे कहंदे हन कोट सूर जाके प्रगास। भगत कबीर जी दा शब्द है जी 1162 अंक ते, कोट सूर जाके प्रगास। कबीर जी आप फुरमान करदे हन कि जद मैं ज्ञान खंड दी अवस्था विच पहुंचया तां की वेखदा हां कि सूरज एक नहीं करोड़ा हन। कबीर जी कहंदे हन सूरज दी प्रतिष्ठा करन वाल्यो, जल देन वाल्यो, पहला ए फैसला करो कि केड़े सूरज नू जल दे रहे हो, किस सूरज दी पूजा कर रहे हो, क्योंकि इस सूरज दे पिछे कोई होर सूरज है, उस दे पिछे कोई होर ते फिर कोई होर। आज दी जो साइंस है कोई 50 अरब सूरजां दा जिक्र कर रही है। सो भगत कबीर जी कहंदे हन कि मैं अनंत सूरजां नू देख रहा हां, कोट सूर जाके प्रगास, कोट महादेव अर कबिलास। महादेव जहे जोगी लंबी समाधि लाण वाले इस अनंत काल विच करोड़ा होए हन। दुर्गा कोट जाके मर्दन करै, ब्रह्मा कोट बेद उचरै। कबीर जी महाराज फुरमान करदे हन कि दुर्गा जैसियां देवियां भी करोड़ा हन, एक नहीं अनंत हन। ज्ञान खंड विच पहुंच के मनुख व्यक्ति दा पुजारी नहीं रह जांदा, देवी देवत्यां दा पुजारी भी नहीं रह जांदा, वो ब्रह्म दा पूजक हो जांदा है, क्योंकि उसनूं समझ पै जांदी है कि ए सब कुछ उस कादर करीम दी किरत है, ते मैं इस किरत मंडल तों उच्चा उठ के उस करते नाल जुड़ना है जिस तों ए जोगी पैदा हुंदे हन, जिस तों ए अवतार आंदे हन, संत जन आंदे हन, देवी देवत्यां दा जन्म हुंदा है। आप कहंदे हन दुर्गा कोट जाके मर्दन करें, ब्रह्मा कोट बेद उचरै। ब्रह्मा भी एक नहीं करोड़ा हन, ते इन्हां करोड़ा ने करोड़ा तरह के ज्ञान ग्रंथ रचे हन। इस अनंत काल विच अनंत ब्रह्मा कोलों अनंत तरह के ज्ञान ग्रंथ बनते रहे हन। सो श्री गुरु नानक देव जी महाराज फुरमान करते हन केते बरमे काड़त घड़िए रूप रंग के वेस। कबीर जी के शब्दां नाल गुरु नानक देव जी की इस पौड़ी की एक एक पंक्ति मेल खा रही है। सो भगत जी कह रहे हैं कोट चंद्र में करे चराग। इसे तरह गुरु अर्जन देव जी ने भी उच्चारण किया सुखमनी साहब कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट उत्थे भी इन्होंने करोड़ा का जिक्र किया है जी। जो नक्षत्र हैं जो सूरज हैं वह भी करोड़ा हैं, ते भगत कबीर जी भी कह रहे हैं कोट चंद्र में करे चराग। चंद्रमा भी एक नहीं करोड़ा हैं जो रोशनी दे रहे हैं, शीतलता दे रहे हैं, ते अपनिया किरणा राही अमृत रस बिखेरते हैं। पृथ्वियां अनंत हैं, ब्रह्मांड भी अनंत हैं। कबीर जी कहते हैं चंद्रमा भी अनेक हैं। सूर 3300 जेवै पाक, नव ग्रह कोट ठाडे दरबार। 33 करोड़ देवता परिपूर्ण परमात्मा के शीत प्रसाद लई तरस रहे हैं।
पर इस तरह के 33 करोड़ देवते भी अनंत हैं, बेशुमार हैं, जिन्हों की गिनती नहीं हो सकती। भगत कबीर जी कहते हैं, नव ग्रह कोट ठाडे दरबार। साढ़े देश में 9 ग्रहों की विशेष करके पूजा होंगी है। जब किसी के दिन चंगे ना हो या काम धंधे में कोई फर्क पै गया हो, सुख दुख की कोई घटना वापर गई हो, लोग कह देंगे हैं कि मेरे ते किसी ग्रह का असर ठीक नहीं है। धरती के 9 ग्रहों में 1-2 का मनुख के मानसिक मंडल उत्ते खास असर मनिया जाता है। उन्हां विचों किसी एक अद्ध ग्रह की दशा ठीक नहीं है, इस तरह का जिक्र नजूमी करते हैं। पर कबीर जी की कहते हैं, इस तरह के 9 ग्रह भी करोड़ा हैं, सिर्फ 9 नहीं हैं। उस परिपूर्ण परमात्मा के दरबार में मैं धरती के 9 ग्रहों वर्गे करोड़ा 9 ग्रह देख रहा हाँ। सो यह फैसला करना पेगा कि माड़ा या चंगा असर किड़े 9 ग्रहों का है। साढ़े देश में ग्रहों की बकायदा पूजा होंगी है, तो उन्होंने ग्रहों के फिर मंदिर भी बने हुए हैं। एक विश्वास है कि एक धर्म राज है जो जीवन का हिसाब किताब रखता है, फिर उन्होंने हिसाब किताब के मुताबिक लेखे जोखे के मुताबिक सजा दिता है या बख्शिश करता है। परिपूर्ण परमात्मा ने उसनु स्थापित किया होया है। कबीर जी कहते हैं, इस तरह के धर्मराज भाव परमात्मा के बनाए हुए नियम भी मैं करोड़ा देख रहा हाँ। कोई एक तरह की नियमावली थोड़ी है। उसने सूरज नु वख नियम दिता है, चंद्रमा नु वख नियम दिता है, सागर का वख अते दरिया का नियम वख है। पहाड़ किसी होर आसरे खड़े हैं, 9 ग्रह किसी होर आसरे हैं। जे हर एक नु उसने नियम दिते हैं, मर्यादा दिती है, धर्म दिता है, तो इस हिसाब नाल करोड़ा तरह का धर्म हो गया। पंछियों का धर्म होर है, पशुआ का धर्म होर है, सागर का होर, अग्नि का होर, फुलां का होर, सूरज का धर्म है रोशनी देना अते गर्मी देना, पानी का धर्म है कि प्यास बुझावे, निर्मल करे, पानी का धर्म यह भी है कि वह निवाण की तरफ वगे। परमात्मा ने हर वस्तु हर हस्ती नू धर्म विच परोया है। इस तरह धर्म की गिनती करिए ता कबीर जी कहते हैं, ये तो करोड़ा बनते हैं। कोट कमेर भरै भंडार, कोटिक लखमी करै सिंगार। करोड़ा तरह के कुबेर हैं, करोड़ा तरह के खजाने हैं, करोड़ा ही धन दियां देवियां हैं। तुसी किस लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो? कबीर जी कहते हैं, ये तो करोड़ा हैं। भाव जिवें साढ़े देश विच भी गज धन, गऊ धन, असव धन, स्वर्ण धन, भूम धन आदि सारे ये जड़े हैं, ये लक्ष्मी के रूप गिने गए हैं। मकान भी एक धन है, धरती भी एक धन है। पुराने जमाने में जिसके घर बहुत सारिया गऊं होंदिया सी, उन्हां नूं गऊं नूं होना भी एक धन गिणिया जांदा सी। गऊं, हाथी, घोड़िया वर्गे पालतू जानवर होना एक धन है, यह पहले मनिया जांदा सी। अन्न दा होना, सोने चांदी की बहुतात, जमीन के मालकी हक होने, यह सब धन के रूप हैं। इस तरह धन दियां किस्मां बेशुमार हैं। इसे शब्द विच अगे चल के भगत कबीर जी कह रहे हैं, 52 कोट जाके रो मावली, रावण सेना जहते चली। जिसने रावण दी सेना नू छलिया, नाश कीता, ते रावण नू मौत दे घाट उतारिया है। भगत कबीर जी कहते हैं, ओ श्री राम भी मैं करोड़ा वेख रहा हाँ। ओ परमात्मा दे दरबार विच उस तरह दी महान हस्तियां, मर्यादा पुरशोत्तम जिहे महान पुरश मैं करोड़ा वेख रहा हाँ। यह कई बार वक् वक् पृथ्वियां ते करोड़ा रूपां विच आए हैं। आप फुरमांदे हैं, सहस गोट बहु कहत पुराण, दुर्योधन का मथिया मान। जिसने पुराण शास्त्र ते वेद लिखे, कबीर जी कहते हैं, उस जैसा महान पंडित वेद व्यास वह भी मैं करोड़ा वेख रहा हाँ। दुर्योधन का मथिया मान, जिसने दुर्योधन के मान नू मिट्टी विच मिला दिता, कबीर जी कहते हैं, वह कृष्ण भी मैं करोड़ा वेख रहा हाँ। गल एक स्पष्ट है कि ज्ञान खंड विच पहुंचिया मनुख अवतार का सन्मान करता है, पूजा भी करता है, पर उसनू एक ज्ञान हो जाता है, इन्ना बोध हो जाता है कि अवतार भी उस करतार दी किरत हन। परमात्मा अवतारी पुरशां नू जगत दे कल्याण हित धरती ते भेजता है। बदलदे योग ते बदलदे समय नाल अवतारी पुरश भी बदलदे रहिंदे हन। पता नहीं इस धरती ते कितनी दफा युग बदल चुके हन, यह गल गिणती मिणती तो परे दी है। इस वास्ते अवतारी पुरश भी गिने नहीं जा सकते। ते गुरु नानक साहब जी फुरमान करते हैं कि ते कान महेश, कितने ही कृष्ण हैं, कितने ही महेश हैं, कि ते बरमे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेस। अनेक ही घाड़ता घड़न वाले ब्रह्मा हैं, तरह तरह दीजा बनाने वाले हैं। जो कुछ भी बनाया जा रहा है
वह रजोगुण बिरती द्वारा बनाया जा रहा है। तो रजोगुण बिरती की है, ब्रह्मा है। पंछी आलने बना रहे हैं, तब ये आलने जो है वह पंछी नहीं बना रहे, उन्हां विच बैठा ब्रह्मा आलने बना रहा है। रहन लई खुद चूहा नहीं बना रहा, चूहे विच बैठा ब्रह्मा बना रहा है। मनुख जो कुछ भी उसार रहा है दरअसल ब्रह्मा बना रहा है। रूप रंग के वेश एक कारता कड़न वाले बहुत सारे ब्रह्मा कई रूपां ते वेशभूषा दिया वस्तुआं कड़ रहे हैं। साहब कहते हैं कि ना ब्रह्मा की गिनती हो सकती है ते ना ही उसके कड़े हुए साजो समान का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है। केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देश। करम भूमि भाव मात लोग जिथे मनुख करम करता है। साहब कहते हैं इस तरह दियां पृथ्वियां एक नहीं अनेकां हन जिथे जीव तरह तरह के करम करते हैं। कितने ही पहाड़ हैं एक पृथ्वी के उत्ते अनंत पहाड़ हैं जिन्हां नूं गिणना बड़ा औखा है। अनंत पृथ्वियां ते हर पृथ्वी उत्ते अनेकां पहाड़। तो आप कहते हैं केते तू उपदेश अनेकां ही अणगिणत ही ध्रुव जैसे भगत ते उसनों उपदेश करने वाले नारद जैसे गुरु हैं। नारद भी एक नहीं अनेकां हैं ते ध्रुव जैसे भगत भी एक नहीं अनेकां होए हैं ते हर समय च होए हैं। ध्रुव जे ब्रह्म ज्ञानी बालक भी अनेकां हैं, एक गिनती मिनती तो परे दी गल है। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। किन्ने ही इंद्र वर्गे देवते भाव बदल हैं जो मीह वसांदे हैं जिन्हां दी गिनती मिनती नहीं हो सकती। अनेकां ही चंद्रमा अनेकां ही सूरज हैं जिन्हां दा अंदाजा लाना बहुत कठिन है। भगत कबीर जी महाराज तो पूछा गया कि ज्ञान खंड दी सारी रूप रेखा जो आप जगत नूं दस रहे हो तुसी किस तरह वेख लई। आप उत्तर दिंदे हन जिस तरह मैं वेख्या है सारे वेख सकते हैं जे कोई अपने अंदर वेखण दी समर्था पैदा करे। अंग 329 ते भगत कबीर जी का फुरमान है जी, कहो कबीर जाने गा सोए हिरदय राम मुख रामे होए। रसना दे राम होवे हिरदय विच राम होवे ता कबीर कहंदे ने कपाट खुल जांदे हन, ये सब कुछ दिखाई देन लग पैंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज फुरमान करदे हन कि अनेकां चंद्रमा हन अनेकां ही इंद्र जहे देवते हन अनेकां ही सूरज हन अनेकां ही मंडल हन भाव जमीन दे टुकड़े हन ते अनेकां देश हन जिन्हां दी गिणती करनी कठिन है। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस। अनेकां ही सिद्ध पुरश ऐसे हन जो सिद्धियां प्राप्त करी बैठे हन। हर काम नूं सफल करन लई उन्हां कोल समर्था होवे, किसी भी घटना नूं चाहे कितनी भी दुखद होवे उसनूं सुखद रूप दे सकन, इस तरह दी उन्हां पास समर्था होवे। साहिब कहंदे हन कि अजिहे सिद्ध पुरश एक नहीं अणगिणत हन और बुद्ध जहे तपीशर दयालु ज्ञानी भी एक नहीं अनेकां हन। अनेकां पृथ्वियां उपर अनेकां तरह दे बुद्ध ते अनेकां मिट रहियां ते नवियां बन रहियां पृथ्वियां हन जिन्हां विच पैदा हो रहे नवे महात्मा बुद्ध हन। आप कहंदे हन कि अनेकां ही बुद्ध हन अनेकां ही जोगी हन नाथ हन जिन्हां दी गिणती नहीं हो सकती, अनेकां ही देवियां हन जिन्हां दी दिव्य ज्योति जिन्हां विच विद्यमान है भाव इन्हां देवियां दी गिणती करनी भी कठिन है। कई केते देव दानव मुन केते केते रतन समुन। किन्ने ही देव हन जिन्हां दे अंदर ब्रह्म दा प्रकाश होया है, कितने ही दानव हन जो राक्षस प्रीति दे मालक हन, जो शक्तिशाली तां हन पर अपनी ताकत दा प्रयोग गलत करदे हन। अनेकां ही मुनि हन जो मौन धारण कर रहे हन, जो मन तो उच्चे उठ गए हन, जिन्हां दा मन विश्राम विच चला गया है। साहिब कहंदे हन इस तरह दे मुनि भी अनेकां हन। केते रतन समुंद। समुंदर नूं रतना कर भाव रतना दी खाण किया गया है। महाराज कहंदे हन कि समुंदर भी अनेकां हन जिन्हां दे अंदर अनेकां तरह दे रतन पए होए। केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद। खाणियां भी कितनियां हन, साडे इस मात लोक विच चार खाणियां हन जिन्हां बारे गुरु गोबिंद सिंह जी भी जिक्र करदे हन जी, अंडज जेरज सेतज ते उत्पुज। सब तो वड्डी खाणी है अंडियां दी जिस तों पंछी पैदा हुंदे हन, अनेकां जल जंतु मछलियां कछुए ये सारा कुछ पैदा हुंदा है। अंडियां तों बाद दूजी खाणी है जेर भाव पेट तो पैदा होने वाले। तीसरी खाणी है सेतज भाव
ਭਾਵ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਚੜ ਜੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੇ ਚੌਥੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਤਪੁਜ ਜੋ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਦਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਪਰਾ ਜੋ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਸੰਤੀ ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਧਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੰਤ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਪਾਤ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦ ਰਾਜੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਕ ਲੇਕਿਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਗਿਣ ਲਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਜੀ
पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है वीर जी। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कीर्तन शैला करें जी। हाँ जी, अच्छा जी। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। श्लोक गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान बंदव सुख, गुरुदेव दाता नाम उपदेसे, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शान सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पति पवित्रा, गुरुदेव आदि जुगाद युग युग, गुरुदेव मंत्र पुत्रा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूल पापी जित लग करा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। कीर्तन सोहेला सोहेला रा गोड़ी दीप की मल्ला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिए करते कहोए विचारो, तित कर गाओ सोहेला सिवरो सृजन हारो, तुम गावो मेरे निरपो का सोहेला, हो मारी जिस सोहेले सदा सुख होए राहो, नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार, संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, देहो सज्जन सीसनिया जो होवे साहब से मेल, कर करे हो पहुंचा सदड़े निपवन सदन हारा सिमरिय, नानक से देहे आवन राग आसा मल्ला पहला, छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वेस ने, बाबा जय कर करते किरत हो सो कर राख बढ़ाई तोय राव, विश्वे चसियां कड़ियां पहरा तिथि वारी माह हुआ, सूरज एको रुतने नानक करते के केते वेस, राग तना श्री मल्ला फैला गगन में थाल, रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आलो पवन चवरो कर, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए अवखंडना तेरी आरती, अनहदा शब्द वाजंत फेरी राव, सहस तव नैन नन नैन हर तोय, को सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद विमल नन एक पद गंध भिन्न, सहस तव गंधे उचलत मोही, सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसद चानण, सब मैं चानण होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, ज्योतिष पावे सुआरती होए हर चरण कमल, मकरंद लो वितमनो अंदिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग हो होए जाते तेरे नाए वासा, राग गौड़ी पूर्वी मल्ला चौथा, काम क्रोध नगर वो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरव लिखत लिखे गुर पाया मन हर ले मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडोत पुन वड्डा हे राव, साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर होमै कंडा हे, ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावे जम काल सहे से डंडा हे, हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पाव खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वो सोब खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख डोडा है, जन नानक नाम धाटिक है हर नामे ही सुख मंडा है, राग गोड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता, सन टैल की बेला ईहा खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सोहेला, आउद कटै दिनस रहना रे मन गुर मिल का सुवारी रहा, यो संसार बेकार संसे में तरे ओ ब्रह्म ज्ञानी,
जिसे जगाए पियावे ही और सपत कथा तीन जानी जाको आए सोई भी हाजो हर गुरते मने बसेरा निज घर मैल पाओ सुख सहजी बोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म हस्त काया रखिया परमेश्वर आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर सर्व रखिया गुरदयाल है दुख विनाश ने भगत वचला नाथ नाथे शरण नानक पुरख अछूते कोर दुखियं अनेक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमंग करोत। सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए हर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता राव नानक प्रभ अबनासी ताकि सेव न बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आसा। बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम ओखर दिया एका लिव लाई राव राख लिए तुन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रपय सहाय श्लोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हूं ना तू न छुटे मिकड़ ना जाइय दूत। श्लोक महला पंजवा मन में चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देव नानक के मीत। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शान सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पति पवित्र करा गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जा पुत्रा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। गुरुदेव गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जितला करा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास जी होए साए अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिंह कर नौ ने गावे ताए सब थाई होए साए दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साए दसा पातशाह की जागदी जोत तन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाह। हे निमाण्या निमाण निताण्या निताण नियोटिया नियोट नी आसरिया दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी आपने मेहर की कृपा की तरस किया दाता जी ओ संध्या वाले दे दीवान आप ही सजवाए दाता जी संगत ते मेहर भरिया करके आपने अपनी बाणिया की सेवा लई दाता जी ओ। हे सच्चे पिता जी ओ आप दी
ਮੇਰ ਦੀ ਸਤਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ